हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग। और आज नेक्स्ट डे है जयपुर में। शादी ब्याह कल रात को निपट गया है और अब हमारा टाइम आ गया है जयपुर से निकलने का अपने घर के लिए, बिकॉज अब हमको नेक्स्ट जर्नी पे जाना है, नेक्स्ट ट्रिप पे। एक ट्रिप ये हो गई शादी के बाद में, एक ट्रिप और है अभी, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। वो हम काफ़ी दूर जा रहे हैं, एक वो नया ही एक्सपीरियंस रहेगा। मैं भी वहाँ जगह पर नहीं गया हूँ, तो हमारे भाभी भी नहीं गया है, तो ऐसी जगह पर जा रहे हैं। अभी चलते हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। चैन दिखा देता हूँ थोड़ी सी लगना चाहिए मैं रेडू, अंगूठियाँ उतार देते हैं हम रात को, नहीं तो खामा। मेरे तो भैया इतनी दिक्कत है जाऊँ उंगली में, निशान विशान और बनाते हैं खामा खाई की। तो चलो एक बार यहाँ पे बुफे है ऊपर इसी होटल में, वहाँ पे खा के आते हैं। कल का तो मैं आपको दिखाया नहीं था, कल भी हमने बुफे में ही खाया था, बिकॉज कल हम लेट हो गए थे 11 बजे, तो बहुत ऑकवर्ड सा हो गया था। दोबारा सब चीज़ें बनवानी पड़ी, इसलिए चलो चलते हैं फिर फटाफट से। ब्रेकफास्ट में नज़ारे देखो, रूप टॉप ब्रेकफास्ट एकदम खुले में। ये सब खाने में वड़ा, पराठे, दही और सांभर ये सब। और ये देखिए इस प्लेट में ओनली चटनी, जहाँ की यहाँ भी रखी हुई है और यहाँ भी आ गई है। वाओ नाइस व्यू। डिनर करने में यहाँ कितना स्वाद आएगा, है ना। तो मुख से बोल नहीं निकलते हैं, जब इनसे पूछा जाता है जब नहीं निकलते, वैसे झाँकने का मन करता रहता है इनका, ठूसना शुरू। चेकआउट कर दिया है होटल से और अब चलना है हमको इनकी बुआ के घर विदा भेंट लेने के लिए। वहाँ से विदा भी तो होना है, परोसा भी तो लेना है अभी इनको, उसके बाद में फिर निकलेंगे अपना घर के लिए सीधा। और बाकी बीच में देखते हैं, अभी शायद एक दो काम हो रहे हैं हमको, तो वो काम भी निपटाएंगे अभी, उसकी भी प्लानिंग करेंगे कैसे करना है। जयपुर में जब बीच रास्ते में फाटक मिल जाए, तो जैसे कि अभी ये हाईवे सा ही है, मतलब रोड, ये मेन रोड, तो जनता कहाँ खड़ी होती है वेट करने के लिए। दिखाता हूँ आपको, देखना वहाँ पे भी दूल्हे की गाड़ी, मतलब वहाँ तक ऐसे ट्रैफिक लग जाता है। अगर यहीं पे बनाना था तो थोड़ा लंबा था बनाते, ताकि लोग रुक सकते थे। देखने कहाँ कहाँ, अब वो जो लाइन जा रही है वो भी परेशान हो रहे होंगे, और वहाँ पे जो है वो भी सब परेशान हो रहे होंगे। भाई अभी हम गए थे वर्ल्ड ट्रेड पार्क जो है यहाँ का, ये तो भाई मतलब हाथी के दांत दिखाने कुछ और, खाने कुछ और, बट स्टिल हमारी मैडम जी यहाँ से शॉपिंग करके आई हैं। अपना टाइम भी हो गया है 12:30, घर से फ़ोन आने लगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। अब जा रहे हैं हम ट्रेंड्स में। शादी के बाद का हाल देखो भाई, ये करना पड़ता है जब आपकी मिसेज यहाँ पे कपड़े खरीद रही होती हैं और आप यहाँ पे ऐसे लेके खड़े रहते हो, क्योंकि इनके ट्रायल का इंतज़ार अभी आपको करना है। काफ़ी ब्यूटीफुल लाइफ हो जाती है भाई, एक्सपीरियंस ले लीजिए। ये बुआ जी के लड़के हैं जहाँ पर हम जयपुर में आ रखे हैं, तो भाई शुभम नाम है भाई का। हाँ जी, तो मैडम जी अभी ले रही हैं, इनको करने देते हैं। जयपुर में कितना सही जुगाड़ है, 179 रेगुलर मील में आपको यहाँ पे बुफे मिल जाता है, जिसमें कि अनलिमिटेड आपको फूड मिलता है 179 पर पर्सन के हिसाब से, सोचिए ब्रो। घर बता रहा है कि 5:30 बजे तक पहुंचेंगे, अभी टाइम हो रहा है लगभग 2 बजे का, और मैडम जी ने इतना टाइम ले लिया ना, मतलब वो कपड़े वपड़े खरीदने में, इनकी वजह से सारा टाइम वेस्ट हुआ। मैंने इसको बोला था कि टाइम से निकल लेंगे, जो टाइम से घर भी पहुंच जाएं, बट इनोसेंस ही, इतनी इनोसेंट है ये बेचारी। और भाई वो जो खाने वाला था 179 रुपीज़, मतलब वो 200 वाला रेगुलर का, भाई साहब कितना सही है। जैसे एब्सोल्यूट बारबेक्यू में हम लोग जाते हैं भाई, वहाँ पे 700-800 रुपए में अनलिमिटेड फूड मिलता है, और यहाँ पे पूरा 200 रुपए में सारी चीज़ें, दो दो बार कोल्ड ड्रिंक ले लो, ब्राउन ले लो, आइसक्रीम ले लो, ये सारी चीज़ें आपको इतने सस्ते रेट्स में मिल जाती हैं। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, फिलहाल अब निकलते हैं घर के लिए भाई, जयपुर को करते हैं टाटा। भाई कैसा मज़ा आया शादी में, तेज बोलो, लाउड बोला करो थोड़ा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे से बोलती है ऐसे बोलो तेज, बहुत ज्यादा मौन ना खूब ज्यादा मजा आया इनको भी। अभी यहाँ पे लगा हुआ है ट्रैफिक, ये फिलहाल है हम आगरा से 200 वाले हाईवे पे, और भाई यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज का ट्रैफिक है। अभी ये बता रहा है कि यहाँ पे भी हमको निकलने में टाइम लगेगा, इस पे भी इंटरसेप्टर रहते हैं यार, शायद हमको पलवल भी जाना पड़ सकता है अभी, क्योंकि कुछ सामान था भात का जो देना था बुआ जी को, पर उन्होंने दिया नहीं, तो वो शायद हम पलवल जाएंगे अभी देने के लिए। चढ़ गए हम अपना यहाँ पे ये मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और ये 173 किलोमीटर बता रहा है, 1:55 अपने घर का एड्रेस लगाया मैंने घर पे पहुँचने का, तो अब यहाँ पे चढ़ जाते हैं। यहाँ पे कितना सिंपल सा है एकदम, यहाँ तो बहुत बढ़िया है, हमारे वहीं पे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, जो पता भी नहीं लगता, बाईपास सा बना रखा है, घुमा घुमा के इधर का तो एकदम सिंपल है,
और ये देखो पट्टे से चढ़ जाते हैं यहाँ पे, अभी इन्होंने स्कैन कर लिया फास्ट टैग को, अब जहाँ से उतरेंगे वहाँ पे वो काट लेंगे जितना उनको काटना होगा। और ये टन 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 टन, और ये देखो मैप में कितना कंफ्यूजिंग से दिखाते रहते हैं ऐसे गोल 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 गोल, और ये अब हम चल गए अपने घर के लिए। क्या कर रही है तू, खिड़की खोल के क्या परोसे में इसको काजू कतली का डब्बा मिल गया, काजू कतली निकालने के लिए ये बोल रही है भूख लग रही है, जल्दी आओ ले लुप रुकवा देती है, कभी कहीं कभी कहीं कभी प्यास लग जाती है, कभी भूख लग जाती है, दिखाना खोलो तो सही, एक किलो कितना है ये तो दिखाओ, देखो इसमें राजस्थान में देखो भाई ऐसा परोसा मिलता है इस टाइप, ये क्या है ये नमकीन सा लड्डू, ये तो हमारे जैसे ही है, मीठा है नमकीन है, नमकीन है तो काजू कतली है, देखो यहाँ पे ऐसे भी दिया जाता है। चलो राजस्थान नई जगह नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। अरे तेरा झूठा था तो तूने मुझे दिया है खाने के लिए, तो मैं झूठा नहीं खिला सकती ना, सॉरी मैं झूठा नहीं खाता, किसी का छाल हो जाते हैं मेरे मुंह में। बीच बीच में रेस्ट एरियाज में भी काफ़ी फन एक्टिविटीज़ के लिए बना रखा है बच्चों के लिए देखो, और यहाँ पे अभी मतलब खाने पीने के लिए भी जुगाड़ चालू हो गया है, वॉशरूम वगैरह मतलब इतनी अभी ज़्यादा रश नहीं है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा रौनक भी नहीं है, कम ही लोग हैं और कम ही इसमें खाने पीने को, और ये पता नहीं है देखो यहाँ पे लोग ये मस्त अपना सो भी रहे हैं अपने रजाई गद्दे डाल डूल के खुदी, शायद ये इस हिसाब से भी बना रखा है कि आप यहाँ पे रुक सकते हैं स्टे कर सकते हैं, ये तो पर मसाला वसाला गैस चूल्हा पूला सब रखा हो, मैं क्या जुगाड़ है भगवान जाने भाई, आप कहीं भी रुक जाओ मतलब ये सब देखो, वाओ वेरी नाइस, काफ़ी ब्यूटीफुल लाइफ हो गई है, आप भी इस लाइफ को ज़रूर इन्जॉय करिए, लाइफ में काफ़ी सामान ढोड़ो के आ रहा है उधर से, यहाँ पे अपना KMP से, और यहाँ पे हमको रुकवा रहे हैं अभी। हाँ भाई बताओ, हाँ फास्टैग चल तो रहे हो, भाई मैं आपको अब इनकी ना घपलेबाजी बताता हूँ चल क्या रही है। एक्चुअली हमारे साथ में ये इंसिडेंट राजस्थान में हुआ था, और जैसे जो मेरे इन लॉज हैं उन लोगों ने बताया कि उन लोगों के साथ में क्या सीन हुआ था, ये लोग फास्टैग चल रहा है आपकी गाड़ी में बट अभी उस फास्टैग को रीड नहीं कर रहे हैं, ऐसे बोल देते हैं कि फास्टैग नहीं चल रहा फास्टैग नहीं चल रहा, अभी जैसे मैंने कैमरा खोला हुआ है तो इन लोगों को दिख गया कैमरा खोल रखा है, तो अब तो इन्होंने कह दिया कि ठीक है चलो चलो, पता नहीं वो कटा या नहीं कटा वो, और उनके पास मैसेज गया होगा, बट अगर मेरे पास कैमरा ना होता ना जब बोलते कि नहीं वो चल ही नहीं रहा आपका फास्टैग चल ही नहीं, और अभी मैं देख रहा हूँ कि सामने मशीन तो कहीं लगी ना हुई तो फास्टैग रीड कर लिया इन्होंने, बोल रहे कि चलो 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 चलो, ऐसे वाले घपलेबाजी कर रखे कि चलो ठीक है डबल डबल कमा लेंगे कोई बात ना। अभी मेरे को जाना है भाई पलवल, कुछ सामान है जो दे कर आना है मेरे को, और वहाँ पे भी थोड़ा सा काम है, तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर सीधा घर जाऊँगा, मैं आ गया हूँ KMP पे, फटाफट से KMP से होके यहाँ तो मतलब 10-15 मिनट ही लगने हैं पलवल पहुँचने में, तो बस उसके बाद मैं फिर सीधा घर ही निकलूँगा। तो भाई अभी हम लोग पहुँच गए हैं घर पे, टाइम अभी हो रहा है लगभग 7 बजे का, तो पलवल से जो काम था वो करूँ के और सीधा घर पे निकल लिए फटाक से, और एक मैंने आपकी भाभी के लिए गिफ्ट मंगाया, दिखाऊं आप लोगों को, ये देखो ये मैंने iPhone 14 मंगाया है आपकी भाभी के लिए, कमेंट्स में बताइएगा कैसा, खाना पीना खाते हैं फिर सो जाते हैं, सो वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।